किसने बुलाया? धर्मेश, मैंने बुलाया ताई को, क्योंकि ताई वो पहली इंसान है जिसने मुझे सबसे पहले विश किया और इसी को सबसे पहले ये बात पता चली, इसलिए मैंने सोचा ये फंक्शन तो ताई के बिना अधूरा है, इसलिए मैंने ताई को भी इनवाइट कर लिया। अरे तुमने इस वक्त क्यों फोन किया? तुम्हें किसने बताया कि यहाँ पार्टी चल रही? ओह माय गॉड, तुम्हें वैशु ने फोन किया? वैशु को कोई शक तो नहीं हुआ ना? थैंक गॉड। अच्छा माधुरी, मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ, किसी ने सुन लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। याद है ना, अगर तुमने वैशाली को असलियत पता दी तो मैं उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। उसकी जिंदगी उसी दिन बर्बाद हो गई थी जिस दिन उसने तुमसे शादी करने का फैसला किया। तुम्हें क्या लगता है कि अगर वैशु को मैं नहीं बताऊंगी तो उसे पता नहीं चलेगा? मैं तो वैशु की बहन हूं ना, इसलिए अपना मुंह बंद करके बैठ जाऊंगी, लेकिन दुनिया में और भी लोग हैं। मुझे तुम्हारी जरूरत है अर्चना। तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, तुम्हें एक डॉक्टर की जरूरत है। लेकिन मेरी डॉक्टर तुम हो और सिर्फ तुम मेरा इलाज कर सकती हो। अर्चना प्लीज, मैं तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। अर्चुक के आजू बाजू में दिखे तो भी मैं तुम्हारे खिलाफ पुलिस में जाकर कंप्लेन करूंगा। चलो अर्चुक। परसों हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, भूल गए? पार्टी तो बनती है ना। भूल गए ना, और इस पार्टी में हम दोनों तुम दोनों को सबसे पहले इनवाइट कर रहे हैं। वाओ, लेकिन कहाँ कर रहे हो पार्टी, कुछ डिसाइड किया है? अभी कुछ सोचा है नहीं, देखते हैं, अभी तो टाइम है। अरे जहाँ पे अभी ये पार्टी की ना, वहीं पे करते हैं। हाँ सही तो है वैसे, चलो कोई प्रॉब्लम हुई तो हम फिर बताएंगे तुम्हें। देखो ये वेटर की जॉब के लिए आया है, इसे देख लेना। नमस्ते सर। अपना नाम और नंबर लिख दो। जी सर। आपने कोई फैसला लिया? अभी मैं किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया हूं। मुझे थोड़ा और वक्त चाहिए। धर्मेश, हमारे पास इतना वक्त नहीं है, हम ये सोचने में इतने दिन नहीं वेस्ट कर सकते। ये वरुण की जिंदगी का सवाल है, प्लीज जो फैसला लेना है जल्दी लीजिए। आप लोग यहाँ बैठ के खाइए, हम लोग इस टेबल पर बैठ जाते हैं। ए, अलग क्यों बैठते हैं? आना मेरे बाजू में बैठ, और तेरी लाडली बीवी को बोल तेरे बाजू में बैठने को, बोल। अरे अर्चना बैठ बैठ, आज बहती गंगा में। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, आज तक मेरे बेटे के बगैर मेरा जन्मदिन कभी मनाया नहीं गया, इसलिए बैठने को बोला। बैठ बेटा बैठ। बाकी तेरा कैसा चल रहा? जब तेरा आशीर्वाद है तो कैसे कुछ बुरा हो सकता है? ऐसा बोल बोल के कब तक रुला के रहेगा मुझे? खाने के लिए कुछ मंगवाते हैं ना? हाँ, अर्चना तू बोल क्या खाएंगे आज हम? बाबा हम बटर पाव भाजी खाएं? नहीं 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 नहीं, बटर में खाती नहीं, मुझे सादी पाव भाजी। सादी पाव भाजी चलेगा। हम लोग भेलपुरी और सादी पाव भाजी खाएंगे। आज कितने दिनों बाद मैं और मेरा सारा परिवार एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं। आज अच्छा सा काम भी मिला है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ कुछ पहले की तरह हो रहा है। पापा अपनी ये कृपा यूं ही बनाए रखना।